नमस्कार, व्यक्ति विशेष के हमारे आज के खास कार्यक्रम में मैं मिली आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल की ओर से मैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर एक बहुत ही खूबसूरत विचार व्यक्त किया हुआ है और इन्होंने एक बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ नाम का एक अभियान शुरू किया हुआ है। कृष्ण कुमार जी, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। मैं NS गुजराती न्यूज का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे अभियान चलाने वाले लोगों को जो एक मौका दिया जाता है, जबकि आज आवाज उठाकर हमारी आवाज को दूर तक कौन ले जाएगा, NSU, तो मैं तो NSU का खूब खूब आभारी रहूँगा। मैं श्री कृष्ण कुमार जी से पूछना चाहूंगी कि ये जो बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ का जो अभियान है, उसका विचार कहाँ से आया आपको, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप इस अभियान में जुड़े? 2013 में हमने एक उड़ान फिल्म बनाई, पॉलिटिकल फिल्म, और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था कि अगली भ्रूण हत्या पर फिल्म हम बनाएं, और वो विचार चला। हरियाणा हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 1000 बच्चियों के बीच में 700 लड़कियों का था, और हरियाणा हिंदुस्तान का सबसे वो प्रदेश है जहाँ कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, और वहीं पे बेटियों की कमी। तो जब हमने एक उड़ान फिल्म बनाई तो उसके पास मेरे प्रोड्यूसर रॉक्सन ने कहा कि कृष्ण जी, अपन क्यों ना बेटी बचाओ पर एक अभियान चलाएं और लोगों को जागृत किया जाए। तो उस वक्त 2013 में हमने ये अभियान बिहानी से शुरू किया, और उपराष्ट्रपति जी की मिसिज को लेके हमने उस पिक्चर का भ्रूण हत्या का एक मुहूर्त करवाया, लेकिन कम नसीब ये कि हमारी एक उड़ान फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई और हम अगली फिल्म बेटी बचाओ पर बनाने में असमर्थता थोड़ी दिखाई। हमारे पास कोई ऐसा बैनर नहीं है जिसके कारण से हम जल्दी से खड़े कर दें। तो बेटी बचाओ का प्लान हमारा 2013 से हमने शुरू किया था, और 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने भी ये बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे मैं तो मोदी साहब को भी आभार करूंगा कि आपने बेटियों के ऊपर एक जागृति लाने का जो काम किया, उसके लिए भी मैं उनका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। कृष्णकांत जी, मैं आपसे, आपने जैसे बताया कि आप डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बनाते हैं लोगों को बताने के लिए, तो आप किस प्रकार की फिल्म्स बनाते हैं और इस फिल्मों में किस प्रकार के संदेश आप पब्लिक को देते हैं? भ्रूण हत्या सबसे बड़ा महापाप है, और नई जनरेशन जैसे जैसे यंग बनने लगे और टेक्नोलॉजी के कारण भ्रूण हत्या कर पूरे देश का विनाश करने लगे, और उसका अनुपात इतना घट गया कि हम देखते देखते अपने आलन पालन को झुलाने से रुक गए, और बेटियों के चक्कर में हमने अपने बेटे और बेटियां, यानी हमने अपनी अनुपात को कम कर लिया। ऐसी विकट परिस्थिति में जब बेटियां हम नहीं लेंगे तो मेरी बात एक बात समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान के लोगों के ऐसी क्या दिमाग में आ गई। उस टाइम जब राजा महाराजा का वक्त था, जब राजा चाहते थे कि मेरे एक लड़का पैदा हो तो वो मेरा राजवंश संभाले, आज इस छोटे छोटे टुकड़े में किसके पास राज है जो लड़कियों से नफरत करे। तो ये तो एक हमारी थीम थी, जो राजा महाराजा चाहते थे कि लड़का पैदा हो, हमारा राजपाट संभाले, और राजपाट संभालने के बाद वो हमारे राज्य का एक मेन किंग बने। अरे आज तो वो सब खेल ख़त्म हो गया, लोकशाही आ गई, और लोकशाही के अंदर हम सब प्रधान हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, बल्कि मैं कहूँगा कि लड़की और लड़के, आने वाला जो समय है, मेरी अपनी विचारधारा से मैं बताता हूँ कि आने वाले टाइम में लड़कियों का ही राज होगा, शक्ति का ही राज होगा, देश की प्रधानमंत्री तो क्या, पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश है वहाँ भी लड़कियाँ ही राज करेंगी, और वो समय दूर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जो भी कहा उससे मैं सहमत हूँ। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं, पब्लिक को जागरूक कैसे करना चाहते हैं? आप ऐसा कोई भी, जैसे आपने बताया था कि आप अपनी कविता के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी वो जो कविता है उसके चंद कुछ लव्स हमें बताएं? बेटियां
एक वो शक्ति है, बेटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर में बेटियों ने जन्म लिया है शायद उसकी महिमा वो ही लोग कर सकते हैं। तो मैं इस गीत की कुछ कड़ियों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जिनको है बेटियाँ वो ही कहते हैं, जिनको है बेटियाँ वो ही कहते हैं, परियों के साथ में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत ही समझते हैं, घर को जन्नत। परी क्यों रूप दिया? जिनके घर में बेटियों का जन्म हुआ है मैं समझता हूँ वो ही माँ बाप वो ही परिवार बेटियों की परिभाषा जानता है। हम जिन बेटियों की नफरत करने वाले वो लोग हैं जिनके घर में बेटियां नहीं होती है वो ही उसका दुरुपयोग करता है, लेकिन बेटियों के लिए जिनके पास बेटियां हैं उनके माँ बापों से एक बार पूछो कि भाई बेटी क्या है तो बताते हैं। लाखों मन्नत से मिलती है एक बेटी हजूर, लाखों मन्नत से मिलती है एक बेटी हजूर, बेटी घर की शोभा है ये नहीं है धूल, इनके कोमल कदम शुभ पल देते हैं, परियों के साथ में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत ही समझते हैं। कौन समझता है जन्नत? जिनके घर में बेटियां हैं। और बेटियों का काम क्या है, बेटियां करती क्या है? मैं तो कहता हूं बेटियां दो घर को सजाती है फूलों की तरह से। बेटियों से दो घर सजते हैं। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जैसे ये जो भ्रूण हत्या हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे भ्रूण हत्या भी बढ़ रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या एक फैशन बन गया है, और मैं एक पीड़ा आत्मा से कहते हुए भ्रूण हत्या पे बताना चाहूँगा कि जिस आत्मा को हम ख़त्म करने जाते हैं वो आत्मा भी क्या चाहती है। तो मैं एक गायन के दो लाइन की कड़ी के माध्यम से बताना चाहूँगा और दो शब्द बोलकर बताना चाहूँगा कि बेटी वो फूल है जो हर घर में नहीं खिलता, बेटी वो फूल है जो हर घर में नहीं खिलता। बेटियाँ सबके नसीब में नहीं होती, बेटियाँ सबके नसीब में नहीं होती, रब को जो घर पसंद आए वहां पैदा होती। तो बेटी के ऊपर, बेटी जब पेट के अंदर होती गर्भ में होती है और जब माँ का एक ऑपरेशन किया जाता है उस वक्त जब वो शस्त्र अस्त्र जब चलाया जाता है तो वो पीड़ा क्या कहती है, मैं उसके ऊपर एक व्याख्यान देता हूं। बेटी ये कोक से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार, मत मार मुझे अब जीने दे, मुझको भी देखना है संसार। वो माँ, माँ को बोल रही है, वो जब छड़ी चल रही है जो शस्त्र क्रिया चल रही है जो वो बेटी कोक के अंदर से कह रही है कि माँ तू मुझे जीने दे, मुझे भी ये संसार देखना है, मैंने भी ये संसार देखने के लिए तेरी कोख में जन्म लिया है, लेकिन इन बातों को हमें ख़त्म करना होगा, जड़ मूल से निकालना होगा। माँ बाप भाई बहन की फिक्र करती हैं ये बेटियाँ, माँ बाप भाई बहन की फिक्र करती हैं ये बेटियाँ, और घर पे जब आफत आती है तो सबसे पहले खड़ी होती हैं ये बेटियाँ। माँ बाप भाई बहन
कि ढाल बन के खड़ी होती है ये बेटियां, और घर पे कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले ढाल बन के खड़ी होती है ये बेटियां। बेटे तो सिर्फ हक मांगने के हैं, वो त्याग की मूर्ति है। हमारी सरकार का नियम है कि भाई बहन बेटी परिवार के सबका हिस्सा बाप का होता है, लेकिन आज की तारीख तक भी बेटियां अपना हिस्सा छोड़कर अपने माँ के घर से अपने ससुराल में जाती है, तो अपने भाइयों को और परिवार को सबको दे के जाती है कि भाई मेरा जो भी हक था वो मैं तुझे देती हूँ, मुझे तो तू सिर्फ खिलते हुए फूल की तरह मिलना, मुझे तू सिर्फ याद रखना। ऐसी वो बेटियाँ हैं, और हम उन बेटियों के प्रति अगर ये विचारधारा रखेंगे तो मैं NS गुजराती न्यूज की ओर से इस देश की जनता को यही कहूँगा कि बेटियाँ तो वो फूल है, उस कली को एक बार आप देखो, उसकी तरफ नज़र करके ध्यान से देखो, ये फूल तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, ये बड़े नसीब वालों को ये फूल मिलता है बेटी का। बहुत अच्छा आपने बताया कृष्णकांत जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एक कविता फेमस है कि हर लड़की के नसीब में पिता का प्यार होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में एक बेटी का प्यार नहीं होता। तो जैसे मतलब एक बेटी जो है वो पूरा संघर्ष करती है, इतनी बड़ी होती है आंखों के सामने, लेकिन फिर भी एक बाप को जब अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो एक बाप ही जानता है। लेकिन फिर भी अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बेटी को जैसे कलंक मानते हैं, बोझ मानते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी कभी भी कलंक नहीं हुई, ये कुछ मैं तो कहूँगा मूर्ख लोगों की ये सोच होगी। नहीं, बेटी तो हमेशा हमारे घर की एक आन बान शान रही है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर बाप तो कमज़ोर होता है, लेकिन मैं उस कठोर बाप की बात करता हूँ जो कठोर में कठोर बाप होता है। और जब बेटी की जब डोली चलती है और बेटी जाती है तो उसके ऊपर एक है, बेटी के जाने पर घर ने न जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है, फूट फूट कर रोया है। तो बेटी जब डोली उठाती है तो वो कठोर से कठोर बाप के भी आंख से आंसू आते हैं, इसका नाम बेटी है। तो बेटियां तो एक अजीब चीज़ है, परी है, आकाश की परी है। श्री कृष्ण कुमार जी से बेटियों के विषय में हम और भी बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। कृष्ण कुमार जी, जैसे अभी कोई भी लड़की होती है तो उसके कपड़ों की वजह से उसकी संस्कृति को जज करता किया जाता है, ऐसे मानते हैं कि जैसे कपड़ों की वजह से लड़कियों में संस्कार नहीं है, तो ऐसे एक वर्ग है ऐसा भी जो कपड़ों की वजह से लड़कियों की इमेज जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि जैसे लड़कियों ने कुछ भी पहना है तो वो लड़की की संस्कृति नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेटी के ऊपर जो सोच कुछ लोगों की होती है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटी की सोच को बदलने के लिए आप जब घर से पहला कदम घर से बाहर निकालते हैं और आपने अपने सोच लिया कि मैं एक बाप हूँ, मैं एक भाई हूँ, और ये सोचकर जो भी सामने को लड़की आती है और उसके आपने ये देख लिया कि वो मेरी बहन आ रही है, वो मेरी बेटी आ रही है, तो आपकी विचार क्रिया चलेगी और उस वक्त उसको सिर्फ बेटी और अपनी बहन दिखेगी, अपनी माँ दिखेगी, उस वक्त कुछ नहीं दिखेगा, उसको कभी भी कपड़ों पे नज़र नहीं जाएगी। लेकिन जब हमारी सोच को हम बदलते हैं, जब सोच हमारी बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, प्लान बदल जाता है, विचार बदल जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को अच्छा करना है। घर से निकलते वक्त कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर से निकलते हैं, हमारे घर में माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, बेटी ही सारे रूप लेके होती है। माँ है तो बेटी है, बहन है तो बेटी है, मासी है तो बेटी है, मामी है तो बेटी है, ये दुनिया में सब कुछ है, वो बेटियों के ही रूप से बनता है। इसलिए कपड़ों की सोच नहीं, वो उनकी विचार क्रिया कराएगा, उसको सोच को बदलना पड़ेगा सिर्फ। कृष्ण कुमार जी, जैसे अभी आज की जो जनरेशन है वो चाहती है कि आज जो माँ बाप है वो चाहते हैं कि लड़की और लड़का दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन उसी सोच के साथ वो ये भी सोच रखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, कि तो इन दोनों एक साइड आप चाहते हैं कि लड़की और लड़का दोनों समान चले और एक तरफ से ये भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बेटी और बेटा दोनों एक ही चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप ये देखेंगे कि जब एक बाप होता है उसकी नज़र में ना तो बेटी और ना बेटा, वो अपनी बेटी को भी जब बाज़ार में जाता है तो वो कपड़े लेके आता है तो बेटे के कपड़े लेके आता है, और वो अपनी नज़र से देखता है तो उसको पहना के जब कपड़ा पहनता है तो बोलता है देखो तो मेरा बेटा आ रहा है। और एक बाप जब बेटी को बुलाता है तो भी वो ये बोलेगा हाँ फलाना बेटा इधर आओ, तो घर में कई विचार करेंगे है तो बेटी रे बेटा क्यों बोल रहा है। तो आपकी सोच और आपको विचार को बदलना है। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो आपको सब कुछ सही लगेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन हमारे विचार जब टेढ़े मेढ़े होते हैं तो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। जी बहुत अच्छा, आपने जो भी बताया वो मैं चाहूँगी कि जो भी दर्शकगण देख रहे हैं वो इस बात को समझे कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, आप अपनी बेटी को भी एक बेटे की तरह ही रखें। इसके साथ मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे न्यूज़ चैनल में अभी आए हुए हैं तो आप हमारी चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? NS गुजराती न्यूज़ के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी सोच को बदल दो। अगर सोच को हम बदलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है, और हम अपनी सोच को अगर पैदा गलत में रखेंगे तो सब कुछ गलत होता रहेगा। कहते हैं कि इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, इंसान ख्वाहिशों से भरा एक ज़िद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही बंधा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी, मैं लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि बेटी और बेटा सिर्फ हमारी सोच के अंदर है, हम सिर्फ अपने विचार और सोच को बदल दें तो हमें बेटी तो बेटा दिखेगा और बेटा बेटी दिखेगा, क्योंकि हमें सिर्फ अपने विचारों को बदलना है, हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है,
मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपका और आपके स्टाफ का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ अभियान की ओर से। और मेरी जल्दी ही आने वाली बेटी पे भ्रूण हत्या पर एक फिल्म, और भी डायरेक्टरों को मैं अनुरोध करूँगा कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों पर वो फिल्में बनाएं, ताकि हम इसके ऊपर भी एक एवॉर्ड का प्रोग्राम रखेंगे, ताकि बेटी की फिल्म पर जो भी हो जाएगा उस पर एक बढ़िया से एवॉर्ड दिया जाए, वो भी मैं एक कंपटीशन रखने जा रहा हूँ। जी बहुत अच्छा कृष्ण कुमार जी, आप यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताई जो उन्हें जागरूक करेगी, उन्हें पता चलेगा कि बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बेटियाँ हैं, बेटियों को अपनी आवाज़ दबा कर नहीं रखनी चाहिए, जैसे अभी ये जो दहेज प्रथा चल रही है, और अगर दहेज नहीं मिलता है तो ससुराल में बहुत सारी लड़कियों को मारपीट और वो सब का सामना करना पड़ता है, तो आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी बात हो आप सरकार की मदद लें, कोई भी बात को अपने अंदर दबा कर नहीं रखें, इसके ऊपर आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा, दहेज के ऊपर तो आपने सुना होगा, शेर सिंह राणा का नाम सुना होगा। मेरे को अभी एक सोशल बेटी बचाओ के ऊपर एवॉर्ड मिला बॉम्बे के अंदर कुछ दिन पहले, 5 मार्च को, और शेर सिंह राणा भी वहाँ आए थे। शेर सिंह राणा ने अभी अभी एक शादी करी है, उसको 10 करोड़ रुपया और ज़मीन उसके ससुराल से मिल रही थी, तो शेर सिंह राणा ने वो सब कुछ ठुकरा दिया। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ ये लड़की है वो ही चाहिए, मुझे को दहेज भेजनी चाहिए। अब मैं ये कहूँगा कि शेर सिंह राणा कौन था, ये शेर सिंह राणा वो था जिसने MP और एक टाइम के डाकू फूलन रानी फूलन देवी को घर जाके उन्होंने मार दिया था, ये वो शेर सिंह राणा था। और आज शेर सिंह राणा जेल से छूटने के बाद और वो एक त्याग की मूर्ति बनता है, और उसने करोड़ों की जायदाद छोड़कर और सिर्फ बेटी का हाथ पकड़कर अपने पर घर पे लाया। अरे ये जीवन के अंदर दहेज काम नहीं, दहेज तो तुम्हें भगवान से लेना है, प्रभु से मांगना है, वो सबसे बड़ा दहेज तो बेटियाँ, इससे बड़ा दहेज हो क्या सकती है। राजा जनक को जब बेटी को कन्यादान करा था, जब दशरथ ने कहा था कि हे राजा दशरथ मैं ये बेटी आपको दान दे रहा हूँ, तो राजा दशरथ ने उनके पाँव छुए, तो जनक कहता है प्रभु आप इतने बड़े राजा और आप मेरे पाँव छू रहे हो, तो राजा दशरथ का एक जवाब था बहुत बड़ा सुंदर सुनने जैसा है कि हे राजन, सबसे बड़ा दानी जो कन्यादान करता है, और आज आपने कन्यादान करके मुझे आपने छोटा बना दिया है, मैं आपके मस्तक होकर नीचे पड़ता हूँ। ये राजा दशरथ के सवाल थे, क्योंकि जनक से उन्होंने कन्यादान लिया था सीता का, तो सबसे बड़ा दान में दान है तो कन्यादान लड़की का होता है। जी बहुत अच्छा, आप यहाँ पे आए हमारे साथ बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों की को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सब जानकर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही दूसरे कलाकारों के साथ, दूसरे महानुभावों के साथ हम उपस्थित होंगे हमारे कार्यक्रम में, लेकिन अभी हम विदा लेंगे। नमस्कार।